जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति एक्सप्रेस पर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता की, जिनका नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। सचिन पायलट हिंदू हैं और गुर्जर जाति से आते हैं। इनके पिता का नाम राजेश पायलट हैं। राजेश पायलट अपने समय के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माने जाते थे। इनकी माता का नाम रमा पायलट है एवं पत्नी का नाम सारा पायलट है। वर्ष 2004 में सचिन पायलट का प्रेम विवाह हुआ था। उनकी पत्नी सारा पायलट कश्मीर के कांग्रेसी नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। सचिन पायलट ने शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एक आर्मी स्कूल से की हैं। सचिन पायलट ने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद अमेरिका जाकर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। सचिन पायलट राजनीतिक घराने से आते हैं, साथ ही उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी रही है, इसलिए पायलट को राजनीति में आने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते थे। पिता की मृत्यु के बाद सचिन पायलट का राजनीति में आना हुआ। वर्ष 2002 में अपने पिता के जन्मदिन 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। सचिन पायलट ने 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार दौसा संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की और इसके साथ उस समय तक के सबसे कम आयु के लोकसभा सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 से 2014 तक पायलट अजमेर के सांसद थे। 28 अक्टूबर 2012 से 17 मई 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में पायलट केंद्रीय मंत्री बने थे। 2014 में अजमेर से लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सावरलाल जाट से भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। 2018 में टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट विधायक चुने गए तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए। 17 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोध करने के कारण उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश के पद से हटा दिया गया। वर्तमान में सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं। थैंक यू दोस्तों।